दो चीजें हैं, दो किनारे हैं। एक तरफ तो सद्विचार है और एक चरित्र निर्माण है। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों विषय ही बहुत अच्छे हैं। दोनों विषय मानव का निर्माण करने वाले हैं। एक कारण है, एक कार्य है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस दुनिया के अंदर कोई भी गतिविधि चलती है, चाहे छोटी हरकत हो चाहे बड़ी हरकत हो, वो कारण के बिना नहीं होती है। और कारण से वह घटना घटित होकर के कार्य रूप में परिणित हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पहले हम सद्विचारों की परिभाषित करेंगे। सद्विचार हमारा मन है, हमारी इस ब्रेन के बीच के अंदर जो है वो हमारा एक माइंड बोलते हैं, अंग्रेजी में माइंड कहा जाता है, हिंदी में मन कहा जाता है। और ये हमारा सिर है वो ब्रेन कहलाता है। ब्रेन के अंदर सोचने की शक्ति है और उसके अंदर मन रहता है। मन, वचन और काया, ये तीन बड़े हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनके माध्यम से हम कोई भी कार्य करके संसार की गतिविधि करते हैं, समाज के अंदर कार्य करते हैं। अगर मन नहीं हो तो व्यक्ति जो है वह चिंतन नहीं कर सकता। वचन नहीं और गूंगा व्यक्ति है तो वो गूंगा व्यक्ति दूसरे से कैसे लाभ वार्तालाप कहेगा। गूंगे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आत्म अनुभव बात की और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ गाय खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा की जो बात है वो अनुभव की जा सकती है, वो शब्दों में व्याख्यात नहीं होती है, वो दिखाई नहीं जाती है, वो अनुभव जन्य है। वो कैसे अनुभव जन्य है? ठीक उसी तरह से गूंगे को गुड़ दे दिया और गुड़ का वो स्वाद तो ले रहा है कि मीठा लग रहा है, परंतु आ आ आ करता है, यानी वो उसको बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी जबान काम नहीं करती, वचन काम नहीं करता। और काया मतलब शरीर, व्यक्ति का शरीर काम नहीं करे, पैरालाइज्ड हो जावे, कोमा हो जावे, शरीर में बीमारी हो जावे, तो वो क्या कार्य करेगा? तो तीनों जो तंत्र है हमारे इस मंत्र को विकसित करने के लिए, तीनों तंत्र है वो जरूरी। हमारा मंत्र है कि व्यक्तित्व विकास करना, ये मंत्र है, उसके लिए तीन तंत्र है। तो आज हम पहले तंत्र की बात कर रहे हैं, मन। मन विचार करता रहता है। मन अगर भूतकाल के अंदर चला जाता है तो भूतकाल की स्मृति करता है कि 10 साल पहले मैं वहां रहता था, मेरा जन्म वहां हुआ है और मैंने वहां पढ़ाई की है। और वर्तमान में रहता है तो चिंतन करता है, मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं तो मेरे दिमाग के अंदर इस विषय के ऊपर विचार आ रहे हैं। वर्तमान में रहता है व्यक्ति, उसी विषय का, उसी कार्य का प्रतिपादन करता है। और व्यक्ति जब भविष्य के अंदर चला जाता है तो कल्पना करता है आने वाले 10 साल के अंदर मुझे वो फैक्ट्री खड़ी करनी है, मुझे MLA बनके, MP बनके, मिनिस्टर बनना है, मुझे विद्वान बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये विचार चलते रहते हैं, विचार एक क्षण नहीं रुकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा। सांसा का अर्थ यह है हमारा चिंतन, चिंतन और सांस हर वक्त चलते रहते हैं। आप जब नींद लेते हैं तब भी मन चलता है, आपको स्वप्न आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, यानी चिंतन को आप एक क्षण भी नहीं रोक सकते। अब प्रश्न ये है कि वो चिंतन कैसा होना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर दो ही चीजें हैं, दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक तो बुराई का रास्ता और एक भलाई का रास्ता। बुराई का रास्ता नीचे जाता है, जन्नत को जाता है, भलाई का रास्ता है वो जन्नत को जाता है। सद्विचार, कुविचार, सद्विचार जो है हमारी तरक्की कराते हैं, हमको अच्छा इंसान बनाते हैं, हमें प्रतिष्ठा दिलाते हैं और हमें संतोष दिलाते हैं, शांति दिलाते हैं, और हम अच्छे अच्छे कार्य करके प्रसन्न होते हैं और मानव जीवन का सार निकालते हैं। ऐसे कहा गया है कि रणस सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। आपने बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लिया है, भौतिक कर लिया, आध्यात्मिक कर लिया है, लेकिन वो ज्ञान आपके गले तक ही है। वो नीचे कब उतरेगा कि उसको आचार में लाओगे, उसको प्रैक्टिकल बनाओगे, उसको अपने जीवन में उतारोगे। जीवन में नहीं उतरता है तब गले तक ही, आज तक हो क्या रहा है,
आज के इस युग के अंदर क्या हो रहा है कि सारा जो ज्ञान दिया जाता है वो गले तक ही रहता है, वो नीचे नहीं उतरता है। पुराने जमाने, आज 30 साल 50 साल पहले पुराने जमाने में जो कोई भी बात बहुत थोड़ी की जाती थी, साधन के इतने बड़े तंत्र नहीं थे, ये गूगल नहीं था, इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इतनी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे, तो गुरु एक सेंटेंस भी बोलता था कि ऑनेस्ट इज द पोस्ट पॉलिसी, तो वह शिष्य जो है अपने जीवन में उतार लेता था। तो भाई और बहनों, दर्शक सदविचार, हम बुरे विचारों को एक बार छोड़ दें, हम सद्विचारों की बात करें, यानी भलाई की बात करें। अच्छाई हर इंसान जानता है। एक छोटा 5 साल का 7 साल का बच्चा जब समझ में आ जाती है, उसको चार्ट बनाया जाए, ये अच्छाई, ये बुराई, ये गुण, ये दोष, ये मेरिट्स, ये डीमेरिट्स, ये वर्च्यूज, ये अनमेरिट्स, तो वो अपने आप जो है उसका डिस्टिंक्शन कर लेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति, इसी कारण इस सृष्टि का वो जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हम सद्विचारों की बात करें, हम पॉजिटिव थॉट्स की बात करें, हम विधायक भावों की बात करें, हर वक्त अच्छा चिंतन करें, हर एक की भलाई के लिए सोचें कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे पड़ोसी का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मेरी मानव जाति का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, जागृति दे, ऐसा विधायक भाव करता है। और सब जीवों को सुख मिले, संसार के सब जीवों को मोक्ष मिले, संसार के सब जीवों को शांति मिले, ये सर्व कल्याण की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। हम सद्विचार करते हैं, खुद के मंगल की बात करते हैं, औरों के मंगल की बात करते हैं। चराचर 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूं, निर्दोष घोषित करता हूं, उनका कोई दोष नहीं मानता हूं। जो कुछ भी मैंने किया उनके साथ बुरा किया है, उन्होंने मेरे साथ में कोई बुरा नहीं किया। इतनी विशाल, यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को हम यूनिवर्सलाइज कर देते हैं तो सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने सबको समा लिया, आर्यों से लगा के आज तक जितने भी शक है, हूण है, खिलजी है, मुस्लिम है, ब्रिटिश है, डच है, कितनी कितनी जातियां, फारसी है, वो सारी जातियां हमारे देश में आई, हमारे देश में धंधा करने के लिए आई, व्यापार करने के लिए आई, हमारे पे हमला किया, हमारे पे शासन किया। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी उदार है, इतनी उदार मना है कि सबको अपने में समा लिया, और आज वो सारी संस्कृतियां जो है वो हमारे यहाँ पुष्पित पल्लवित हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति उदार मना है, सबको समा लेती है, सद्विचार वाली है। जो मैं सद्विचारों की बात कर रहा था, भारतीय संस्कृति सद्विचार वाली है। अब सद्विचारों की हमने बात की, अब हम चरित्र निर्माण की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जीवन में ढलना चाहिए, ये जीवन में उतरना है, ये चरित्र है। जो ही कोई बात हमारे जीवन का अंग बन गई, कोई विचार, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी, कोई चीज हमारे जीवन का अंग बन गई, वो चरित्र बन गया।